Hello students, today we will discuss the science of 7th class. So in 7th class, science chapter 4 is going on. In chapter 4, we were teaching you about the heat. Heat के बारे में पढ़ा रहा था. जितना heat के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसके आगे से देखिए. In summer, means that summer season में, गर्मी के season में, when it is hot, जब गर्म होता है, मौसम कैसा होता है, गर्म होता है, we want to make our room cool. ठीक है, तो क्या करते हैं, इस समय अपने रूम को कूल करना चाहते हैं. इन समर, समर सीजन में व्हेन इट इज़ हॉट, जब हॉट होता है, गर्म होता है, गर्मी होती है, वी वांट टू मेक अवर रूम कूल, तो अपना रूम उस समय कूल करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं. डू वी ऐड कोल्ड टू द रूम, तो हम क्या करते हैं, कोल्ड को रूम में ऐड करते हैं, ठंडक को. ठीक है, ऐड कोल्ड द रूम. एंड नो वी टेक अवे सम ऑफ द हीट, वी टेक अवे सम ऑफ द हीट, हम कुछ हीट को अवे करते हैं, बाहर करते हैं. वी से समथिंग इज कोल्ड, तो हम फील करते हैं, कहते हैं क्या कि कुछ कोल्ड है, ठंडक है, ठंडक हो रही है. ओके, व्हेन इट डज नॉट हैव मच हीट, जब सफिशियंट हीट नहीं होती है, सफिशियंट गर्मी नहीं होती है, द लेसर हीट इट हैज द कोल्डर, लेसर हीट होती है, कम गर्मी होती है, साथ ही साथ इट हैज़ द कोल्डर इट इज़, कभी कभी क्या होता है, कोल्डर फील होता है. ओके, सो हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स, मीन्स दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर द रिलेटिव्स टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं. ईजिली वी कैन फील विथ अवर स्किन्स, विथ अवर फिंगर्स एंड विथ अवर टंग्स. ओके, इन माई प्रीवियस क्लासेज आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ टू फील हॉट एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, hotness and coolness we feel easily with the help of skin, with the help of tongue, with the help of finger. Okay, so this is related to the heart. Okay, this is the related to the heart. तो आई हैव टोल्ड यू इन समर, क्या होता है समर सीजन में, क्या होता है जब समर सीजन में, जब व्हेन इट इज हॉट, जब हॉट होता है दैट टाइम से वी फील हॉटनेस, देन वी वांट टू मेक अवर रूम कूल, रूम को कूल करना चाहते हैं. डू वी ऐड कोल्ड ऐड करते हैं उसमें, इसी तरह से. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हॉटनेस को और कोल्डनेस को रिलेटिवली फील करते हैं, और बोथ आर द कूलनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर द जस्ट रिलेटिव्स टू ईच अदर टर्म्स. ओके, सो दिस इज द हीट. ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू.